अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माई टॉपिक अबाउट ट्रेस और एक्स सिरप। मेरा आज का टॉपिक है ट्रेस और एक्स सिरप के हवाले से, और ये मेरे पास सिंपल का जो है एक सिरप पड़ा हुआ है जिसका नाम है ट्रेस और एक्स सिरप। और ये ट्रेस और एक्स सिरप पीने से क्या क्या फ़ायदा है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, और किस बीमारी के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, और डॉक्टर हजरात इसको क्यों देते हैं, और ये क्या फ़ायदा देता है, मेरा आज का टॉपिक है ट्रेस और एक्स सिरप के हवाले से। तो बड़ा मेहरबानी ट्रेस और एक्स सिरप को की इंडिकेशन और इसका डोजेज और इसके बीमारी के बारे में आज मैं आपको मालूम दे दूँगा। तो बड़ा मेहरबानी, समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए बीमारियों के बारे में, नए मेडिसिनों के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूंगा। शुक्रिया। सबसे पहले इसका फार्मूला है साइपोहाइड्राटिन जो है, ये एक इसका साल्ट होता है, इसका फार्मूला का नाम है। और ये जो है भूख की कमी को बढ़ाता है, जिस बंदे को भूख ना लगे तो वो जो है इसको दो दो चमचा तीन टाइम खाली पेट खा सकता है। जो इसके जो है इसके अंदर है साइपोटाडिन, इसके अंदर प्लेसिस है, और ये भूख की शिद्दत को बढ़ाता है, जिस बंदे को भूख ना लगे या खाना आते ही फिर बंदे का दिल का बढ़ जाना होता है, और वैसा तो भूख लगता है, खाना सामने रखते ही बंदे का भूख मिट जाता है। तो उस दौरान जो है इसको यूज़ किया जाता है, इंसान को भूख लगता है और इम्यूनिटी को बेहतर करता है। और इसके बाद जो है क्रेनिटाइन, इसके अंदर प्लेसिस है। क्रेनिटाइन जो है ये जिस्म के जो जो बच्चा ग्रोथिंग की उम्र में आ जाता है, जैसा कि पैदाइशी दिन से लेकर कम से कम 20 से 25 साल की उम्र में, जो ग्रोथिंग की उम्र में हो जाता है, बच्चे का गोश्त का बढ़ना होता है, मसल्स का बढ़ना हो जाता है, तो उस दौरान इसका होना लाजमी है। उस दौरान जो है क्रेनिटाइन का इस्तेमाल किया जाता है और उसका ज़रूरत पड़ता है। तो उस दौरान जो है मसल्स को एक्टिवेट करता है, गोश्त को बढ़ाता है, और ग्रोथिंग के यानी कि हड्डियों की ग्रोथिंग की उम्र को जो है ये थोड़ा बढ़ाता है। और इसके बाद जो है इसके अंदर है लाइसेंस का माना है, लाइसेंस जो है मसल्स को और हड्डियों को जो है मसल्स यानी कि गोश्त को और हड्डियों को और कोलन्स को बेहतर करता है, और हड्डियों की मजबूती के लिए इस लाइसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है B12, विटामिन बी वन जो है ये खाने के खाना जो हम इस्तेमाल करते हैं उस खाने को जो है एनर्जी में तब्दील करता है विटामिन B1। तो इसके अंदर विटामिन B1 भी है, और ये खाने को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद है विटामिन बी सिक्स जो है हाफिज़ा और इम्यूनिटी को बेहतर करता है। और इसके बाद जो है विटामिन बी ट्वेल्व जो है और हाफिज़ा और नाजरा को बेहतर करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है। और इसके बाद जो है फिर DNA और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को जो है एक्टिवेट करता है, इनको ताकत देता है, और इनके साथ साथ फिर हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।